लाहौर में लिबर्टी चौक पर तहरीक इंसाफ के कारकुनों के एहतजाज का मामला, पीटीआई कारकुनों के घरों पर क्रैक डाउन का सिलसिला जारी है। अहम खबर आपको दे रहे हैं, लाहौर में लिबर्टी चौक पर तहरीक इंसाफ के कारकुनों के एहतजाज का मामला, पीटीआई के कारकुनान के घरों पर क्रैक डाउन का सिलसिला जारी है, पुलिस छापे मार रही है। इस हवाले से मुझे अपडेट्स देते हैं, लाहौर से नुमाइंदा कैपिटल टीवी अली तारिक हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। जी अली तारिक, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, लिबर्टी चौक पर पीटीआई का आज 2 बजे एहतजाज है, जिस पर गुज़श्ता रात ही पीटीआई के घरों पर एक क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है, छापों का सिलसिला जारी है। पीटीआई जो रहनुमा है उनके घरों पर पुलिस रेड्स कर रही है, लेकिन पीटीआई रहनुमा जो है वो एक दिन पहले ही अपने घरों से भी गायब हो चुकी है। और पीटीआई रहनुमा जो है आसिफ जट, जो सदर मिस्टर डाउन है, उनके घर पुलिस का छापा मारा गया है। और इसके अलावा और भी जो पीटीआई के रहनुमा है उनके घरों में भी क्रैकडाउन किया गया है। इसके अलावा जो पीटीआई जराए बता रहे हैं, उनका कहना है कि तकरीबन हमारे 60 से 70 लोग जो है वो इस वक्त जो है गिरफ्तार हो चुके हैं। और ये पुलिस जो है जब भी हम एहतजाज की कॉल देते हैं तो ये कई दिन कबल ही हमारे घरों पर छापा मारने का सिलसिला जो है शुरू कर देते हैं। जबकि दूसरी जानब जो है इस वक्त लिबर्टी चौक पे जहाँ पीटीआई का एहतजाज होना है वहां पर भी पुलिस की भारी नफरी और वाटर कैनन वगैरह मौजूद हैं। और एक तरफ इन सब चीजों को रोकने की कोशिश की जा रही है तो दूसरी तरफ जो है पीटीआई के लोग एहतजाज की कॉल देने के बाद जो है अभी तक जो है कहीं नजर नहीं आए, लेकिन इम्कान है कि आज फिर एक पीटीआई का कारकुन का जो एक बड़ा काफिला है वो लिबर्टी पहुंचेगा। जी बहुत शुक्रिया आपका अली तारिक, आपने हमें तफसीली अपडेट किया।